एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं. इफ एफ डैश इज कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल 1 to 2n, शो दैट दट दिस समिशन इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है, इसका प्रोसीजर भी पिछले कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसा ही है. तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं. लेफ्ट साइड को थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं पहले. दिस स्टेप इज टू रिमेंबर कि आपको इस तरह से ब्रेक करना है, इवन टर्म्स को अलग और एक कंप्लीट समिशन रन करना है. क्योंकि अगर आप इसको खोलेंगे ना, तो मैंने ऊपर सॉल्व करके लिखा हुआ है, इस लेफ्ट समिशन को अगर मैं खोलूँ तो मेरे पास आप देख रहे हैं नेगेटिव आएगा एफ वन का, एफ़ टू का पॉजिटिव आएगा क्योंकि जब मैं 2 पुट करूँगी तो -1 की पावर 2 प्लस बन जाएगा ना. तो एफ़ टू पॉजिटिव, -F3 F4 पॉजिटिव, इस तरह से. सो ऑल्टरनेटिंग टर्म्स, ऑल्टरनेटिंग साइंस आएंगे. तो मैंने क्या करना है, मैंने इसमें एफ़ टू एफ फोर इवन टर्म्स को सेपरेट कर लिया. ठीक है, और ये इवन टर्म्स को ऐड कर दिया और ये इवन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो मेरे पास प्लस वाली इवन टर्म्स डबल डबल हो जाएंगी. एक तो यहाँ से सेपरेट करी हुई पड़ी है, एक मैंने ऐड करी है तो डबल हो गई, एक सब्ट्रैक्ट वाली इनके साथ ग्रुप बना लेंगी. ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट वाली जो नेगेटिव वाली है वो सारी इकट्ठी करके उसमें से माइनस कॉमन निकाल के उनका समिशन बना दिया मैंने. इवन वालों में से मैंने डबल है क्योंकि, तो 2 लगा दिया बाहर और समिशन मैंने यहाँ पर एफ टू के लिख दिया, विच रिप्रेजेंट्स की इवन टर्म्स हैं. ठीक है, अब इसके लिए अलग से सॉल्व करेंगे, इसके लिए अलग से सॉल्व करेंगे. इसके लिए सॉल्व करना है तो अभी मैंने बताया ना कि समिशन तुम 2 से बनाओ ताकि इंटेग्रल 1 से बने. समिशन को 2 से बनाने के लिए तुम्हें 1 पुट करना पड़ेगा अलग से. सो 1 जब पुट करोगे तो एफ 1 बनेगा. ठीक है, तो इधर से आपका ये समिशन 2 से बन जाएगा. अगर समिशन 2 से है तो इंटेग्रल 1 से बनेगा, अभी मैंने बताया था, राइट, आर्टिकल नंबर 9, 1 से 2n एफ एक्स डी बॉक्स एक्स. ठीक है ना, सिमिलरली तुम इस समिशन को भी सॉल्व कर सकते हो उसी तरह से. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करके इसको सॉल्व करो. एफ वन तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लो. सॉल्व करके ठीक है, आप देखिए आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा. ये पूरा सॉल्व करके पढ़ लो अपने आप, इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड कोर समझाने वाला नहीं है. बस ये है कि बॉक्स ऑफ हाफ 0 होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए. हाफ मतलब 0.5 का बॉक्स 0 होता है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशंस हैं, सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 6 इज बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर 10 विच आई विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो, जिसमें मैं आर्टिकल नंबर 10 करवाऊंगी. सो एग्जाम्पल नंबर 6 उसी के साथ करेंगे. अगर आर्टिकल समझ में आ जाएगा तो एग्जाम्पल भी उसी को यूज़ करके है तो ईजिली समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 है, एफ एक्स एक्स दिया हुआ है, अल्फा एक्स दिया हुआ है, एक्स प्लस बॉक्स एक्स. तो आपको 0 to 10 एफ एक्स डी अल्फा एक्स बाई डेफिनेशन निकालना है. सबसे पहले पार्टीशनिंग कंसिडर करो. पार्टीशनिंग 0 से शुरू करनी है और 10 तक जाना है. तो हमने 1 upon n, 2 upon n, 3 upon n, ठीक है ना, पार्टीशनिंग कैसे करते हैं इक्वल पार्ट्स में, एन इक्वल पार्ट्स में कैसे करते हैं, ये पिछले सेमेस्टर में बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं. हम लेंथ ऑफ ईच इंटरवल निकालते हैं, बी माइनस ए अपॉन एन, जब हमने इक्वल एन पार्ट्स में डिवाइड करना हो. एंड वी कीप ऑन एडिंग द लेंथ, दैट लेंथ इन द पॉइंट टू गेट द नेक्स्ट पॉइंट. तो वो चीज़ वैसी ही है. अब एस पी एफ अल्फा की डेफिनेशन लगा दी. ठीक है, ये बन गया समीशन 1 से 10n तक ही है ना ये पॉइंट्स. तो एफ टी के अल्फा 2 पॉइंट्स का डिफरेंस. ठीक है, तो अगर एक पॉइंट k बाय एन है, पॉइंट्स ऑब्वियसली इसी तरह से बन रहे हैं ना, k बाय एन, नीचे n आ रहा है ना सबके, तो k बाय एन माइनस उसका प्रीवियस वाला पॉइंट क्या होएगा, क्योंकि तुम्हारी डेफिनेशन एस पी एफ अल्फा की होती है समेशन एफ टी के डेल्टा अल्फा के, है ना, यही होती है ना. फिर के वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके जितनी भी तुम्हारे पॉइंट्स हैं टी एन. ठीक है, तो एफ टी के एज इट इज, एफ टी के बन जाएगा टी के, क्योंकि एफ एक्स एक्स है, एफ टी के टी के बन गया. सो डेल्टा अल्फा के, डेल्टा अल्फा के इज़ बेसिकली डिफरेंस ऑफ अल्फा के माइनस अल्फा के माइनस 1. ठीक है, अल्फा के क्या है, अगर तुम देखो अल्फ़ा के की जगह हम लिखेंगे के बाय एन, क्योंकि पॉइंट्स इसके 1 बाय एन, 2 बाय एन, इस तरह के हैं, तो के बाय एन लिखेंगे. और अल्फ़ा के माइनस 1 की जगह लिखेंगे अल्फ़ा के माइनस 1 बाय एन. ठीक है, अब यहाँ से तुम इसको पुट कर लो, अल्फ़ा के बाय एन बनेगा के बाय एन प्लस बॉक्स के बाय एन, माइनस अल्फ़ा के माइनस 1 बाय एन बनेगा के माइनस 1 बाय एन प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस लिखा हुआ था बुक में, के माइनस 1 बाय एन का बॉक्स. फिर मैंने इसको और इसको सॉल्व कर लेना, इसको और इसको सॉल्व कर लेना, माइनस कर लेना, माइनस करूँगी तो 1 बाय एन आएगा, और इसको और इसको इकट्ठा करके लिख लेना, इतना आ जाएगा, माइनस आएगा इसके आगे क्योंकि दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस आ गया, राइट. ये अलग अलग सेपरेट कर लो, इतना आ गया, इतना आ गया. ठीक है, फर्स्ट वाले समेशन को इंटेग्रेशन में कन्वर्ट करके, अगर समेशन 1 से है तो इंटेग्रेशन 0 से होएगा, ये सब चीज़ें मैंने बता दी हुई हैं, सॉल्व कर लो. सेकंड वाले को यहाँ पर बॉक्स आएगा, ठीक कर लो. सेकंड वाले में यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये मैं आपको अलग से मिस्टेक निकाल के बता दूंगी, अदरवाइज़ इस मिस्टेक को सॉल्व करके आंसर 55 में भी आ रहा है, आई विल चेक इट, ये मिस्टेक मैं ठीक करवाऊंगी.
अभी आई हैव टू फिगर इट आउट. तो अगर आप कर सकते हो तो आप ट्राई कर लो. आंसर इसका दोनों को ऐड अप करके आ जाएगा, क्योंकि इस पार्ट का आंसर आ रहा है 50, इसका 55 आ रहा है, तो ऐड अप करके आ जाएगा 105. बाकी ये वाली जो चीज़ है ये मैं आपको आई लेट यू नो, ठीक है, इधर इन सम वीडियो और मे आई मे डायरेक्ट मैसेज यू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप.